ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार उतारने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता की एक बैठक मांझी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग जयनाथ चौहान, जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये जो बैठक आप लोग कर रहे हैं, बैठक में उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं, ये कब तक फाइनलाइज कर लेना है उम्मीदवारों का चयन? देखिए, बैठक में उम्मीदवारों का चयन हम नहीं कर रहे हैं। यह उम्मीदवारों की सूची बायोडाटा मंडल अध्यक्षों के माध्यम से जिला को जाएगा, जिला से फिर प्रदेश को जाएगा, चयन अंतिम चयन प्रदेश करके देगा। हम कलेक्शन के लिए यह कर रहे हैं कि जो जिस मंडल में कितने हमारे कार्यकर्ता लड़ने को इच्छुक हैं वह कलेक्शन करेंगे। अभी तक ये जितने जिला परिषद के क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में बैठक करनी है। विधानसभा हमारे यहाँ 10 है, 10 विधानसभा में हमारे यहाँ अभी तक एकमा, मढ़ौरा, गड़खा, सोनपुर, छपरा, इतने विधानसभा के सभी जिला परिषद क्षेत्रों की बैठक हो गई। अब जो बाकी है, जैसे बनियापुर बाकी है, कल होना है, उसी तरह से अबनौर बाकी है, कल होना है, और एक और रह जा रहा है मेरा ये तरैया का भी परसों हो जाना है। तो इस तरह से सभी जिला परिषद क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं से। उम्मीदवारों का चयन का आधार क्या होगा? उम्मीदवारों के चयन का आधार हम लोगों ने यह रखा है कि अपने कार्यकर्ता जो हमारे हैं वे अगर इसके पहले चुनाव लड़ें, विनर हैं, रनर उसमें से जो भी हैं, वो विनर हैं तब तो कोई बात नहीं है, रनर हैं तो फिर वहाँ भी हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन विनर और रनर में से कुछ भी नहीं है, 3 नंबर 4 नंबर पर अगर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो फिर उनका वोट परसेंटेज क्या है? और हमारे दूसरे कार्यकर्ता जो इसके पहले चुनाव नहीं लड़े थे वो भी लड़ना चाह रहे हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर होगा, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, ये सशक्त उम्मीदवार हमारा कौन होगा, उस पर हम विचार करेंगे और तब सूची फाइनल करेंगे। अपना परिचय बताते हुए इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? जयनाथ चौहान, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। आज की बैठक के मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में केवल एक पद जिला परिषद पद के लिए समर्थित उम्मीदवार घोषित करेगी, और उसके लिए अपने जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको चुनाव जिताने के लिए लगेगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सुशासन की सरकार चाहती है निचले स्तर पर ग्राम पंचायत में भी, तो जो नरेंद्र मोदी जी की सपना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है, और नरेंद्र मोदी जी जो विकास चल रहा है उसमें गति देने के लिए इस प्रकार से पार्टी ने पहली बार फैसला ली है। इसमें हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके जो योग्य उम्मीदवार है, जो प्रभावशाली उम्मीदवार है, जो लोकप्रिय उम्मीदवार है, उसका चयन करना है ताकि वह चुनाव में प्रत्याशी हो, समर्थित उम्मीदवार पार्टी की हो। इसके लिए हम लोग आज आपस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके भी विचार विमर्श करने का है आज का कार्यक्रम रहा है। आपने अभी बोला कि नहीं, भाजपा जो है वो पंचायत स्तर पर अपने पार्टी को मजबूत करना चाह रही है, तो सिर्फ जिला परिषद के कैंडिडेट पार्टी की तरफ से उतारने से क्या आप पंचायत स्तर पे आपका भाजपा मजबूत हो जाएगा? पार्टी प्रयोग के रूप में जिला परिषद से प्रारंभ किया है, पहली बार तो पार्टी ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पर पहल किया है, कोई पार्टी अभी तक नहीं किया है, तो हम लोग इस पर पहल कर रहे हैं। इसमें सफलता मिलेगी तो अगले बार से जो भी पद है सभी पदों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। कुछ पहले, अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट का ऐसा न्यूज आया हुआ था कि कोई भी समर्थित पार्टी के बैनर लेकर के कोई भी उम्मीदवार नहीं उतरेंगे, तो हम बैनर लेके नहीं जा रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, ना हम पार्टी के सिंबल का ना कमल का इसमें कहीं कोई प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा समर्थित उम्मीदवार होगा। अभी हम लोकल बॉडी के चुनाव लोग लड़ते हैं तो समर्थित उम्मीदवार होता है, वहाँ कहीं बैनर पार्टी का यूज नहीं करते, पहले से जो लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं इस चुनाव इसी प्रकार से चुनाव लड़ेंगे।
बचपन। I love my बचपन। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता।